वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटी साइंस गुरुजी। आज के जो केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर है उसमें हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन की तरफ चलेंगे। इससे जो पहला लेक्चर था, जो प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हमने रेट ला पढ़ा, जिसमें हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन देखी थी। लेकिन आज हम ब्रीफ स्टडी करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो ऑटोमेटिक जो नोटिफिकेशन होगी नेक्स्ट वीडियो की सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे चलने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं रेटला। रेटला के बारे में हमने पढ़ा था। रेटला क्या है कि अगर हमारे पास एक ये इक्वेशन है ए प्लस बी से हमारे पास सी बना, ए प्लस बी हमारे पास रिएक्टेंट है, सी हमारे पास प्रोडक्ट है। हमने पढ़ा था कि रेट ला क्या होगा, रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, जो मोलर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और इन दोनों के ऊपर कुछ पावर होंगी अल्फा बीटा। ऐसा हमने पढ़ा था रेट ला। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो जो प्रीवियस लेक्चर है उसको आप देखिए, आपको रेट ला और अच्छे से समझ में आएगा। तो रेट ला में हमने ये देखा था, तो हमने देखा था कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या होंगी कि जो मोलर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, ए और बी हमारे पास क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है, इनके ऊपर जो पावर है अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा प्लस बीटा को अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं तो मेरे पास क्या आएंगी, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बस हमने इतना ही देखा था जो रेटला था उसमें। लेकिन आज हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स का मतलब है इधर पावर, पावर से मतलब है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स टू विच द मोलर कंसंट्रेशन इज द रेट ला, इन द रेट ला इक्वेशन आर रेज टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व रेट ऑफ द रिएक्शन आर कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास इक्वेशन है ए प्लस बी टू सी, हम ये मेरे पास रिएक्टेंट है, ये मेरे पास प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट की जो मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन जो रेट ला में जो मोलर कंसंट्रेशन है, इसके ऊपर जो पावर है अगर हम इन दोनों का सम कर दें तो हमारे पास वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये हुई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आगे क्या क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेरे पास जीरो भी हो सकती है और मेरे पास फ्रैक्शन में भी हो सकती है। तो हुआ क्या कि जो हमारे पास जो फर्स्ट, तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट बनता है वो क्या है कि इट कैन बी फ्रैक्शनल। जो हमारे पास फर्स्ट, जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो फ्रैक्शनल भी हो सकती है, इट कैन बी फ्रैक्शनल एज वेल एज जीरो, एज वेल एज जीरो। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। क्या है कि जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। कैसे कि अगर मेरे पास एक एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको पास लेके चलूं कि रेट है, एग्जांपल है ये कि किसी का रेट हमारे पास आया एक जीरो, आप इसको वन ले लीजिए, बी की पावर वन बाय टू। अगर कोई ऑर्डर है, अगर हमारे पास रेटला है, रेटला ऐसे लिखा हुआ ए की पावर वन और बी की पावर वन बाय टू, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो क्या होगा, वन प्लस वन बाय टू थ्री बाय टू, तो क्या हुआ, फ्रैक्शन हुआ, थ्री बाय टू फ्रैक्शन में आया। लेकिन अगर कोई ऐसा होगा कि के ए टू पावर वन और बी टू पावर टू, तो मेरे पास क्या हुआ, वन प्लस टू थ्री, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया। अब होता क्या है कि ये तो पॉइंट आ गए हमारे समझ में, लेकिन आगे हम इसको और जो एग्जांपल कराऊंगा उससे और आपको अच्छे समझ आएगा। एक तो हुआ इट कैन बी फ्रैक्शनल एज वेल एज जीरो, लेकिन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि जो रेट, रेट जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएंगे सभी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होंगे, आप थ्योरिटिकली उनको कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब इसके लिए जो ये नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट क्या है कि हम इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, थ्योरिटिकली हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसके लिए हम इंपॉर्टेंट कुछ नेक्स्ट एग्जांपल के लिए चलते हैं।
अब इसके कुछ हम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि हमको समझ आएगा कि जो केमिकल रिएक्शन होती है, जो उसका ऑर्डर होता है, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जा सकता है, हम अपनी साइड से उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जो मैं करा रहा हूं आप इसको अपनी नोटबुक में प्लीज नोट कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्या है कि इट कैन डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली ओनली, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। जितनी भी ये ऑर्डर है, ये कुछ चार पांच मैं एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं, ये सभी आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हो, थ्योरेटिकली अपनी साइड से आप इनको डिटरमाइन नहीं कर सकते। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है H2 प्लस Cl2 दोनों गैसेस की फॉर्म में है और सनलाइट की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करा, हमारे पास क्या हुआ, 2HCl हुआ। लेकिन अगर हम इसको रेट ला की एक बार हम इसका रेट ला अगर लिखने चले तो क्या आएगा, R = K H2Cl2। अगर हम थ्योरेटिकली अगर इसका करें, इनके सामने क्या है, 1-1 एसोसिएमेट्रिक कोएफिशिएंट, 1-1 क्या आएगा, इक्वल टू 2 आएगा। लेकिन हमने तो क्या निकाल दिया कि सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी, लेकिन जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने चले तो होगा क्या कि इसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक्चुअल में है क्या, H2 0 और Cl2 भी 0। मतलब कि क्या हुआ कि हमारे पास इसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। तो ये ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्सपेरिमेंटली डाटा अलग होता है, थ्योरिटिकली डाटा बिल्कुल अलग होता है। अब ये मेरे पास N2O5 है, अगर मैं इसका डिकम्पोजिशन करूं, N2O5 का अगर हम डिकम्पोजिशन करें तो 4NO2 और हमारे पास क्या है, O2। तो अगर हम इसके जब हमने इसका जो एक्सपेरिमेंटली डाटा है उससे क्या पता लगा कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। सेम ऐसे ही अब ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसके लिए है, फ्रैक्शन में आएगा ये H2 plus Br2। हमने इन दोनों का कंबिनेशन किया, 2HBr आया। जब हमने इसका रेटला निकाला तो क्या आया, अगर हम इसको इसका रेटला लिखे तो क्या आएगा, R = K × H2^1 Br2^1। तो 1 1 = 2। हमने तो क्या निकाल दिया, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, सेकंड है। लेकिन जब इसका एक्सपेरिमेंटली डाटा हमने मेजर किया तो क्या आया, H2^1 और Br2^1/2। तो एक्सपेरिमेंटली क्या आया, 1 + 1/2 3/2। तो कैसा आया इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो किस में आया, फ्रैक्शन में, जिसका कि 3/2। सेम ऐसे ही मेरे पास क्या है, 5 Br - BrO3, काफी फेमस एग्जांपल है ये हमारे लिए। इसका अगर हम इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हम लिखें तो क्या आएगा, और अगर हम जैसे हमने ये बैलेंस की हुई है, अगर हम ऐसे इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखें तो क्या आएगा, Br - 2^5। बैलेंस की हुई रिएक्शन है याद रखना, Br(O3)-1 और H+6, 6 मोल ऑफ H+, 5 मोल ऑफ Br- एंड BrO3 1 मोल। तो 5 + 1 + 6 कितना आया, 12 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी क्या ये, नहीं ऐसा नहीं होगा। तब इसका एक्सपेरिमेंटली डाटा हमने मेजर किया तो क्या आया, Br- 2^1 BrO3- 1 और H+1, ये आई हमारे पास फोर्थ ऑर्डर की रिएक्शन। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये 5-6 जो हमने बैलेंस करने के लिए लिखा हुआ है, ये हमने अपनी सहूलियत के लिए लिखा है कि जो हमें थोड़ा सा बस दिखने में अच्छा लगे कि हमने बैलेंस कर दिया। लेकिन जब हम एक्चुअली डाटा जब हम देखते हैं, जो एक्सपेरिमेंट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ऐसा नहीं है कि उसने 5 मोल BR- लिया, वो Br- ही लेता है, BrO3- ही लेता है। बाद में प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट को देखकर हम क्या डिटरमाइन करते हैं, बैलेंस ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। क्योंकि हम प्रोडक्ट को देखकर अगर हमने बैलेंस की है तो वो तो एक्सपेरिमेंटल डाटा हुआ ही नहीं, वो तो हमने अपनी साइड से उसको बैलेंस किया है। मैं आपको एक एक तरीके से समझाता हूं। सपोज कीजिए कि आपके पास ए है
और बी है, ए मोल बी मोल। अगर आप इसका प्रोडक्ट करो, आपने इसका रिएक्शन किया और आपके पास आए ए टू बी थ्री, ऐसा आया आपके पास, तो आपने इसको बैलेंस किया। ये आपने बैलेंस कब किया? जब आपका प्रोडक्ट बन चुका था। आपने पहले इसको बैलेंस नहीं किया, पहले तो ये क्या था, ए प्लस बी ही था। जब इसका प्रोडक्ट बना तो हमारे पास क्या आया, ए टू बी थ्री। आप प्रोडक्ट को देखकर इसको बैलेंस कर रहे हो। आपने प्रोडक्ट देखा कि हाँ टू मोल ऑफ बी, मैंने इसको बैलेंस कर दिया, थ्री हमने इसको बैलेंस कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये एक्सपेरिमेंटली नहीं है, ये हमने थ्योरिटिकली हुआ, ये बिल्कुल चीजें एक्सपेरिमेंटली। तो ये था हमारे पास, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटली है, और थ्योरिटिकली हमारे पास क्या होगा, 3a, जैसे कि 3a सॉरी 2a 3b। लेकिन आप इसको अगर एक्सपेरिमेंटली देखो तो क्या था, a प्लस बी ए टू बी थ्री, दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। ये हमारे पास रियल है और ये हमारे पास थ्योरिटिकल है, तो दोनों की दोनों चीजें ही बिल्कुल अलग है। इसलिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जा सकता है, कैलकुलेट हम इसको थ्योरिटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की तरफ और चलते हैं, जिससे कि हम क्या क्या पढ़ सके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को और अच्छे से जान सके। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बिल्कुल जो सारी चीजें थी बिल्कुल ब्रीफली बताई, कि जो एक्सपेरिमेंटली हम किसी भी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, थ्योरिटिकली हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। उनका जो ऑर्डर होता है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जीरो में भी हो सकता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब कुछ समराइज करते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को, अगर आपसे बोर्ड में पूछा जाए तो आपको ऐसे लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, ऑर्डर, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ये देखो, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसकी पावर कुछ होगी अल्फा, फिर बी इसकी पावर कुछ होगी बीटा। अगर हम इन दोनों को सम कर दे तो हमारे पास क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये एक समराइज पॉइंट है सारे के सारे। फिर हमने पढ़ा कि इट कैन बी फ्रैक्शनल एज वेल एज जीरो, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, मैंने आपको निकाल के दिखाया, 3/2 1/2 और जीरो भी हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। लेकिन अगर हम अपने सिलेबस की बात करें, क्लास 12th अगर हम सीबीएसई की बात करें, एनसीईआरटी में सिर्फ जीरो ऑर्डर, फिर उसकी हाफ लाइफ, फिर फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ, सिर्फ ये ही दो टॉपिक है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, उन दोनों की हाफ लाइफ। ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये सारी चीजें देख रहे हैं। नेक्स्ट है, इट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली ओनली, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जा सकती है। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, फोटोसिंथेसिस का पढ़ा हमने, फिर उसके बाद हमने बीआर नेगेटिव, जो काफी फेमस है, बीआर नेगेटिव, बीआरओ थ्री नेगेटिव, बीआर नेगेटिव, जो एच पॉजिटिव के साथ जो रिएक्शन होती है वो हमने देखी। फिर उसके बाद हमने देखा कि इवन द ऑर्डर ऑफ सिंपल रिएक्शन मे नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट एज सीन फ्रॉम द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ये क्या कह रहा है कि जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन, बैलेंस की हुई केमिकल रिएक्शन है, जो बैलेंस की हुई केमिकल रिएक्शन है, जो उनके आगे जो नंबर लिखे होते हैं सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उनका सम करके हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते। ऐसा मैंने आपको बताया कि हम क्यों डिटरमाइन नहीं कर सकते, जो इससे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया था, ए प्लस बी, हमने उससे जो प्रोडक्ट बना वो बना ए टू बी थ्री, फिर मैंने आपको बैलेंस की, फिर मैंने आपको बताया कि थ्योरिटिकली और एक्सपेरिमेंटली में क्या डिफरेंस है। अब जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है, जो हम मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, उससे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये हम देखेंगे मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे हम देखते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में, हम सारी चीजें देखेंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। इससे पहले हम देख रहे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो लास्ट पॉइंट क्या था,
कि जो ऑर्डर एप्लीकेबल है किसके ऊपर, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स टाइप रिएक्शन के ऊपर। तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें तो एलिमेंट्री रिएक्शन का पता होना चाहिए और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है उनका पता होना चाहिए। सबसे पहले एलिमेंट्री रिएक्शन, आप जो इन सभी का आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी बुक में, काफी इंपॉर्टेंट चीजें है ये। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी क्या, द रिएक्शन विच डू नॉट टेक प्लेस इन वन स्टेप इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होंगी, जिनको कंप्लीट करने के लिए एक या एक से ज्यादा स्टेप की जरूरत पड़ेगी, उनको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जैसे कि मैं कहूं कि आपको ए टू सी है, आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए सी, तो आप सबसे पहले क्या जाओगे, ए टू बी जाओगे, फिर उसके बाद आप बी से सी जाओगे। तो ये तो हुआ आपने कितने स्टेप में की, सिंगल स्टेप और ये सेकंड स्टेप, तो दो स्टेप में आपने प्रोडक्ट सी तक पहुंचे, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएंगी आपके पास, कॉम्प्लेक्स टाइप रिएक्शन। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे कि अब ये है, आप इधर आइए, अगर मैं कहूं कि एक रास्ता है ए यहां पर खड़ा है, ए को सी पर जाना है, ए को सी पर जाना है, उसके पास कितने रास्ते हैं, एक तो ये हुआ एक दो, और ए कौन सा रास्ता हुआ ए टू सी। तो जो ये डायरेक्ट है क्या हुआ, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन, ए टू सी आप डायरेक्ट जा सकते हो, तो ये क्या कहलाएगा, एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री स्टेप कहलाएगा। लेकिन हमारे पास एक और है, कौन सा, ए टू बी और बी टू सी, तो ये कितने स्टेप की रिएक्शन है, दो स्टेप की। तो जो सेकंड जो दो स्टेप में हम सी तक पहुंचे, ए टू बी बी टू सी, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की आप डेफिनेशन देखिए, द रिएक्शन विच डू नॉट टेक प्लेस इन वन स्टेप इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब नेक्स्ट है द डिफरेंट स्टेप इन विच कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक प्लेस कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। जो हमारे पास डिफरेंट स्टेप है, जैसे कि इस जो एग्जाम्पल है इससे मैं आपको समझाता हूं कि मेरे पास N2O5 था, मैंने इसका डिकम्पोजिशन किया, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है, NO2O2। तो रिएक्शन तो हमारे पास ये है, लेकिन अब ये रिएक्शन अकर कैसे हुई वो हम देखते हैं। N2O5 हमने इसको डिकम्पोज किया, NO2NO3 बना। अब क्या हुआ, जो N2O5 था इसका हमने दोबारा NO3 के साथ रिएक्ट किया, तो हमारे पास 3 मोल ऑफ NO2 प्लस O2, मतलब कि ये हमारे पास परफॉर्म हो गया। तो ये स्टेप कितने स्टेप में हुई, दो स्टेप में रिएक्शन। तो इस स्टेप का जो N2O5 है, NO2 और O2 जो है, तो इसका जो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप है तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, लेकिन जो ये डिफरेंट स्टेप है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। क्योंकि मैकेनिज्म है, N2O5 से आपने NO2 परफॉर्म किया, फिर NO3, फिर N2O5 को NO3 से रिएक्ट करके 3 मोल ऑफ NO2 प्लस O2, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो ये हुआ हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन, ये कहलाया हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो मेन डेफिनेशन है उसकी तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन होती क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स, आयन एंड मोलिक्यूल, जितने भी एटम आयन और मोलिक्यूल जब साइमल्टेनियसली कोलाइड होते हैं, जब अपने आप ये कोलाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उससे जो हमारे पास न्यू केमिकल प्रोडक्ट जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन की हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, क्या है कि द नंबर ऑफ एटम और आयन और मोलिक्यूल दैट मस्ट कोलाइड विद वन अनदर साइमल्टेनियसली सो एज टू रिजल्ट इनटू ए केमिकल रिएक्शन। एटम, आयन और मोलिक्यूल इस तरह से आपस में कोलाइड होते हैं कि उनसे एक न्यू केमिकल रिएक्शन
हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो एक न्यू केमिकल रिएक्शन में बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलर मोलिक्यूल से आप समझिए, मोलिकुलरिटी मतलब कि एटम, आयन और मोलिक्यूल, ये तीनों आपस में कोलाइड होंगे साइमल्टेनियसली, जिससे कि हमारे पास क्या होगा, एक न्यू केमिकल रिएक्शन होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन होती क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की हम मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कैसे निकाले वो हम देखते हैं। क्या है कि सम ऑफ द मोलिक्यूल ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट रिप्रेजेंटेड बैलेंस केमिकल रिएक्शन। जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है अगर हम उसको बैलेंस करें, कोई भी केमिकल रिएक्शन है जैसे कि ए प्लस बी, अब मेरे पास ए बी टू है, ये सपोज कीजिए आप ए बी टू है, मैंने बैलेंस की टू, तो मेरे पास अगर क्या कहा इसने, सम ऑफ द मोलिक्यूल ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ए बी टू बना ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी है। अब मैंने, अब जो रिएक्टेंट अगर मैं इनका सम करूं कितना आएगा, वन प्लस टू थ्री, तो इसकी मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी हुई, थ्री हुई। अब ऐसे ही अगर हम एग्जाम्पल से चले तो क्या है, टू मोल ऑफ एच आई क्या हुआ है, एच टू प्लस आई टू। अब जो सम ऑफ मोलिक्यूल है वो क्या है, टू है, तो इसका जो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, वो टू होगी। मतलब कि जो रिएक्शन है वो कैसी है, बाय मोलिकुलर रिएक्शन टाइप की रिएक्शन है। सेम सेकेंड है टू एन ओ प्लस ओ टू, टू एन ओ टू। अब टू प्लस वन कितनी हुई, इसका जो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन अगर हम इसका सम करें तो टू प्लस वन क्या हुआ हमारे पास, थ्री हुआ। तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या आई, थ्री आई। ऐसे ही ओ टू एफ टू ओ टू, तो इसकी मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन अगर हम देखें तो क्या है, इसके आगे वन है, तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या आएगी, इसकी वन आएगी। तो ये सभी हमारे पास क्या हुआ, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने का जो मैंने आपको ये तरीका बताया। अब नेक्स्ट हम करते हैं, पूरा समराइज करते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन पेपर में हमें कैसा लिखना। स्टूडेंट्स अब हम मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन को समराइज करते हैं। क्या है कि इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन थी इसकी, इट इज द नंबर ऑफ एटम, आयन और मोलिक्यूल दैट मस्ट कोलाइड विद वन अनदर साइमल्टेनियसली सो एज टू रिजल्ट इनटू अ केमिकल रिएक्शन। कि जो नंबर ऑफ एटम, आयन, मोलिक्यूल है ये आपस में साइमल्टेनियसली रिएक्ट होके एक न्यू केमिकल रिएक्शन फॉर्म करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब क्या है, इट इज ऑलवेज ए होल नंबर, इट कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शनल। अब हमने देखा मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन है वो जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि हम क्या काउंट कर रहे हैं, हम रिएक्टेंट काउंट कर रहे हैं। अगर हमारे पास रिएक्टेंट ही नहीं होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट भी नहीं होगा। तो अगर रिएक्टेंट ही नहीं है तो हम प्रोडक्ट नहीं होगा, अगर प्रोडक्ट नहीं होगा तो हमारे पास रिएक्शन ही कैसी होगी। तो कभी भी कैन नॉट बी जीरो, जीरो तो हो ही नहीं सकती मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, और फ्रैक्शनल भी कभी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है फॉर सिंपल रिएक्शन मोलिकुलरिटी कैन बी यूजुअली बी ऑब्टेन फॉर द सोशियोमेट्री ऑफ द इक्वेशन। कि जो नॉर्मलिटी, जो नॉर्मल जो केमिकल रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है, अगर हमको सोशियोमेट्रिक, अगर हम उनको केमिकल जो रिएक्टेंट, अगर हम उनको नंबर को ऐड कर दें तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की होगी, जिसमें हम मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन को और ज्यादा डिटेल में करेंगे कि इसके यूजेस क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप हमारी जो लेक्चर है उसको लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अब तक भी अगर आपने बीटी साइंस गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स।